आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी, उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया। और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। बीस विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं, और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी को जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, ये सारे हमने दिए हैं। जो उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेन की थी उसकी कॉपीज हैं, वो सब हम वहाँ दे चुके हैं। लेकिन अभी 13 और हैं जो शिकायतें आ रही हैं, और वो भी हम अगले 48 घंटे में दे देंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी पूरा मसला, जो राजनांदगांव है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी इसी तरह की कंप्लेंट्स थी, उसका भी हमने इन्हें फिर से स्मरण कराया। उन्हें जिस तरह से पवन खेड़ा जी ने बताया, सारा इलेक्शन कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे, तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है। और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। जो 99% 95% 90 से जो अबव है, उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सारा हुआ है। जहाँ 60-70% है वहाँ पर ये नहीं जीत रहे, तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी, 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है, उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है। इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है, और हमें पूरे जनता के समक्ष इस को बात को रखें कि इसका क्या कारण है, ये पूरा संदेह का। और वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाई उसे मशीन के साथ में। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियां, हम ये चाहते हैं, हमने कहा है कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हुड्डा जी बोलेंगे। देखिए, आप भी थे, पूरा देश रात में आज संदेह है, और ये जो नतीजा है हरियाणा का, आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट, सर्वे, कोई सर्वे, सारे सर्वे ये आए थे, लेकिन ये हुआ। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है
कांग्रेस है, कंप्लेंट है 30 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती कीजिए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई, ऐसे कई कंप्लेंट हमें दी है और इलेक्शन कमीशन ने अशोर किया, वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं। और बुड्ढा साहब, ये तो ईसी से शिकायत आप लोगों की हुई है, लेकिन अगर इस आप लोगों की जो शिकायत है उसको अगर खत्म नहीं किया गया तो आगे क्या रुख रहेगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी आप इसी तरह कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।